हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील प्रजापति और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप जब भी वेटिंग में टिकट बुक करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते होंगे कि आपका ये वेटिंग टिकट जो है आरएसी में जाएगा या फिर कंफर्म होगा। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि आप जो वेटिंग टिकट काटते हैं वो आरएसी में जाता है या फिर कन्फर्म होता है, तो कौन सा वेटिंग नंबर जो है आपको आरएसी में मिल जाएगा और कितना वेटिंग नंबर तक जो है आपका डायरेक्ट कन्फर्म हो जाएगा। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक हाथ जोड़कर छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आया है तो प्लीज हमें कमेंट के जरिए बताएं कि आपको क्या नहीं पसंद आया है और हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपका वेटिंग टिकट है तो इनके तीन कंडीशन होते हैं। जैसे कि पहला, अगर आपका जो है कंफर्म नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन अगर इसके बाद भी दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं, जो कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही दो ऑप्शन करते हैं कि आपका जो है वो डायरेक्ट कन्फर्म होगा या फिर आरएसी में जाएगा। चूँकि अगर आपका डायरेक्ट कन्फर्म हो गया तो वो फुल सीट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका आरएसी में ही टिकट रह गया तो समझ सकते हैं आपको फुल सीट नहीं मिलेगा, उसी सीट पर दो लोग का टिकट मिलेगा और वो दोनों लोगों को सीट शेयरिंग करके ही आपको पूरा सफ़र करना होता है। आपका मान के चलिए वेटिंग नंबर है 100 से ज़्यादा वेटिंग नंबर है और आपका जर्नी विद ना मान के चलिए अगर वीक भी है तो वो टिकट कन्फर्म तो होता नहीं है वैसे जनरली, लेकिन अगर आपका कन्फर्म भी होगा तो वो टिकट फुल्ली कन्फर्म नहीं होगा, आरएसी में ही जाके पटकाएगा, आरएसी में ही जाके कूदकेगा। सो अब हम बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की। अगर आपका वेटिंग नंबर जो है 10 से लेकर 20 तक है और अगर आपका डेट ऑफ जर्नी जो है विद इन अ वीक है तो वो टिकट जनरली आरएसी में नहीं जाती है, डायरेक्ट कन्फर्म हो जाती है, चूँकि वो कन्फर्म डायरेक्ट हो जाती है और एडजस्टमेंट आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर आपका मैं ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने जो है वेटिंग टिकट काटा 50 से और तब आया है 5-10 पे, तब आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जो है आरएसी में नहीं जाएगा और डायरेक्ट कन्फर्म हो जाएगा। मैं स्टार्टिंग के वेटिंग 5 से 20 वेटिंग की बात कर रहा हूँ कि अगर आपका स्टार्टिंग के वेटिंग नंबर 5 से लेकर 20 तक है तो आपका जो है वो आरएसी में नहीं जा करके डायरेक्ट कन्फर्म हो जाता है। लेकिन अगर आपका वेटिंग जो है 50 से ज़्यादा है या फिर 100 से चलकर आया हुआ है 20-10, तो फिर जो मैंने फर्स्ट सिनेरियो बताया वही अप्लाई होता है कि अगर आपका जो है कन्फर्म नहीं होकर डायरेक्ट जो है आरएसी में ही आता है। लेकिन ऐसे भी नहीं है, मान के चलिए कि थर्ड एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने टिकट जो है 1.5 महीना पहले 2 महीना पहले कटाया हुआ है और अगर उस स्थिति में 50 से लेकर के 100 के बीच में वेटिंग है और ये GNWL का वेटिंग लिस्ट है और बहुत दूरी की सफ़र रहता है तो ये टिकट भी जनरली जो है वेटिंग में नहीं, हालांकि आप स्टेटस चेक करते रहिएगा तो ये बताता है वेटिंग बताते रहेगा, लेकिन कुछ दिन पहले से ही आरएसी बताएगा, लेकिन चार्ट बन जाने के बाद आपका वो आरएसी भी टिकट कंफर्म हो जाता है। जैसे कि मैंने अपना फैमिली मेम्बर में 2-3 टिकट बुक किया हुआ है तो मेरे को एक्सपीरियंस से मैं आपको सब बता देता हूँ। मैंने जो है 166 वेटिंग नंबर जो है GNWL का काटा था पटना सेवापी के लिए और वो टिकट जो है लगभग 28 दिन के जो है बाद का टिकट था, तो वो टिकट जो है लास्ट दिन जिस दिन ट्रेन था उस दिन 18 वेटिंग था, तो मैंने सोच लिया कि टिकट कंफर्म नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो टिकट जो है आरएसी में गया ही नहीं, डायरेक्ट 18 के बाद कंफर्म कर दिया गया है। तो अगर आपका टिकट मेरे अनुसार से 50 से लेकर 100 वेटिंग है और अगर आपका डेट ऑफ जर्नी 1 मंथ के बाद का है तो वो टिकट भी जनरली जो है कन्फर्म हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होते हैं। अगर आपका 50 से 100 वेटिंग है और 1 महीना बाद भी डेट है तो वो जो है मान के चलिए 80-90% आरएसी में ही जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग के 5 या 20 वेटिंग है और आपका जर्नी विद इन अ वीक है तो वो टिकट जो है आरएसी में नहीं जा करके डायरेक्ट कंफर्म हो जाती है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आपका वेटिंग नंबर कितना रहता है और कितने दिनों के अंदर डेट ऑफ जर्नी रहता है कि वो टिकट आरएसी में नहीं जा करके डायरेक्ट कंफर्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।